जन्म रखा था, हाथ की हड्डी इनकी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी, जिसका इन्होंने ऑपरेशन किसी दूसरे हॉस्पिटल में सरिया डलवा के करवाया था। इनके उस ऑपरेशन के बाद हड्डी इनकी जुड़ी नहीं थी, इनका ऑपरेशन फेल हो चुका था। करीब एक वर्ष बाद जब ऑपरेशन के हमारे पास आए, हमने इनको बताया कि इसमें हड्डी जुड़ी नहीं है, इसमें फ्रैक्चर जो आपका है वो सरिया की पकड़ में नहीं है, ये हड्डी आप और भी इंतजार करेंगे तो हड्डी जुड़ेगी नहीं। इनका हाथ बिल्कुल ऐसे झूलता था, जुड़ा नहीं था, तो इसका हमने दोबारा ऑपरेशन किया, इनकी रॉड निकाली और इसमें हड्डी का चूरा डाला जिसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, और साथ में एक प्लेट लगाई। अब इनको उस ऑपरेशन के करीब 2 महीने हुए हैं, इनका हाथ बढ़िया जुड़ गया है, मजबूती आ गई है, अब झूलता नहीं है हाथ और सारे काम करने लगे हैं। तो इसके इसके बारे में गणेश जी से बात करते हैं। गणेश जी, क्या हुआ था, कैसे, क्या पहले कितना टाइम पहले हड्डी टूटी थी? आज से कोई 8 महीना 7 महीना पहले हड्डी टूटी थी, फिर गया वहां जाके उन्हें रोड के लिए, मेरी हड्डी नहीं जुड़ी। फिर मैं वापस दोबारा उनके पास गया, उन्होंने कहा भाई इसमें जुड़ी नहीं रही है, मैं क्या करूं। फिर हम वहां से चले आए, आपके पास आए, यहाँ आकर के मतलब ये आपने देखा, हमने दिखाया तो आपने कहा ये जुड़ेगी नहीं, ये रोड का काम नहीं है, ये प्लेट का काम है। तो आपने मतलब ये इसका पूरा ऑपरेशन किया और आपने ऑपरेशन करके हड्डी जुड़ गई, आप बिल्कुल मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है और सब तरह से ठीक है। पहले क्या दिक्कत रहती थी इसमें? पहले ये जो कर लेता था तो जो लूट जा दो या हिसाब से रह जा दो, तो मतलब ये हाथ में हड्डी नहीं लग रहा था, जैसे कि हड्डी सरिया की पकड़ में है ही नहीं और आती नहीं, और ना इंतजार करेंगे तो भी वो नहीं जुड़ेगी, कभी तो पकड़ में ही नहीं है, जो हिल रही है जो, तो फिर कहाँ से जुड़े साहब? आपके यहाँ ना आते तो शायद दिन क्या होता है साथ का। अब तो एकदम कोई दिक्कत, तंदुरुस्त हो गया है, वजन उठा लेता है, काम कर लेता है, कोई दिक्कत, अब इसमें कोई कमजोरी तो नहीं लग रही? नहीं कोई। जैसे इनका एक्सरे देखे हैं तो जब ये हमारे पास आए थे आरएमओ से, तो इनका ये एक्सरे था जिसमें फ्रैक्चर यहाँ से हुआ था और सरिया डली हुई थी। जो इस तरह के फ्रैक्चर नीचे के होते हैं, जो ह्यूमरस बोन के नीचे के जो फ्रैक्चर होते हैं, इनमें एब्सोल्यूट फिक्सेशन रिक्वायर्ड होता है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी से नहीं जुड़ते हैं। तो इनका जो काम किया हुआ है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला काम किया है जिसमें कि ये बोन नहीं जुड़ी। हमने जो इसको दोबारा ऑपरेशन किया तो इसमें इस तरह से एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी हमने प्लेट से दी, साथ के साथ इसमें बोन ग्राफ्टिंग करी, तो 2 महीने में ही अंतराल में इनकी हड्डी बिल्कुल पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है।